हेल्दी देखो एवरीबडी नोज व्हाट इज हेल्दी व्हाट इज नॉट हेल्दी बट आई जस्ट एक्सप्लेन माय पेशेंट दैट वी शुड अवॉइड फाइव मेन व्हाइट थिंग्स दैट इज सॉल्ट शुगर आलू चावल एंड मैदा इफ यू आर अवॉइडिंग ऑल दीज फाइव थिंग्स एवरीथिंग इज हेल्दी Hello everyone, this is Vidushi and you are watching the Good Health Show. And today we are going to talk about menstrual cycle, जिसे आसान शब्दों में periods कहा जाता है. And for that we have Dr. Anu Sidanan ji with us. Hello ma'am, कैसे हैं आप? Ma'am, periods को लेकर मुझे लगता है कि हमारे audience में बहुत सारे questions होंगे क्योंकि being a girl मुझे पता है कि काफी सारे mind में ऐसे questions आते हैं जो हम पूछ नहीं पाते हैं किसी से. और अगर अपने parents से या फिर अगर अपनी मम्मी से भी बात करते हैं तो काफी कम नॉलेज है इस चीज की. तो आज मैं चाहूंगी कि हमारी जो ऑडियंस है उनको बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिले पीरियड्स के बारे में. एंड इसी के साथ मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि कितने टाइम तक पीरियड लाइक एक जो साइकिल होती है वो कितने टाइम तक अगर हो रही है तो वो कॉमन है और अगर उससे ज्यादा होती है या फिर उससे कम होती है तो हमें सोचना चाहिए कि इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. हेलो गुड इवनिंग एवरीवन. एक्चुअली दुषी पीरियड्स का जो नॉर्मल साइकिल है हम लोग लेते हैं दैट इज 28 प्लस माइनस 7 डेज. एंड यूजली ऑनसेट ऑफ पीरियड्स अकर्स अराउंड 11 टू 16 इयर्स ऑफ एज बट नाउ डेज वी हैव सीन इट इज कमिंग लोअर ऑल्सो एंड गर्ल्स आर गेटिंग पीरियड बाय द एज ऑफ 9 इयर्स ऑल्सो विच इज क्वाइट नॉर्मल. एंड अलॉन्ग विद दैट इफ पीरियड्स आर परसिस्टिंग अराउंड 3 टू 7 डेज वी कंसिडर दैट इज नॉर्मल. And so periods are coming regularly at a gap of 21 to 35 days, that is okay. Lasting for 3 to 7 days, that is also okay. If it is associated with mild or moderate pain, that is perfectly fine on day 1 or day 2 of the cycle. But if it is affecting your quality of life, it is making you take off from your day of office or school, and it is severe in intensity, then definitely you should approach your gynecologist. Okay. मैम जैसे मैंने देखा है कि बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जिन्हें पीरियड्स आए जैसे अगर स्टार्टिंग में पीरियड्स आए एंड देन उनको फिर 3-4 महीने का गैप आ गया फिर पीरियड्स आए फिर गैप आ गया तो ये जो इनरेगुलरिटीज है पीरियड्स में ये किस वजह से होती है? देखो डिपेंड करता है कि ये जो गैप आ रहा है आपको कौन से एज ग्रुप में आ रहा है. बिकॉज इनिशियली व्हेन द पीरियड स्टार्ट्स देन डेफिनेटली न्यूरोलॉजिकल मैच्योरेशन आने में पूरा कंट्रोल यूट्रस के ऊपर ब्रेन का आने में टेक्स 4-5 ईयर्स. But if it is after 19 years of age, 18 to 19 years of age, and still she's not getting her periods regularly, even after getting her first cycle, periods are not regular, you should get the checkup done. Okay. And ma'am, kya kya karan ho sakte hain this periods ke ya fir irregularities ke? First of all, it is pregnancy. If patient is sexually active, first of all, we should rule out pregnancy on this. But if patient is not sexually active, then we have nowadays the rising trend of polycystic ovarian syndrome. Along with that, sedentary lifestyle and other hormonal issues, thyroid, as well as we do have other diseases which may cause irregularity in the cycles. If patient is on any medication, that may affect the hormonal environment inside and that may lead to delay or early appearance of cycle. Okay. और मैम जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो पिल्स होते हैं ये जो लोग ले लेते हैं क्या इससे हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर फर्क पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक कमेंट कि नेवर यूज योर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर गायनेकोलॉजिस्ट और योर फिजिशियन बिकॉज दीज आर हार्मोनल पिल्स एंड दे आर इंडिकेटेड स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल प्रोफाइल और डोज ऑफ और रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. ओके. बट इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इफ पेशेंट इज मैरिड एंड हैविंग बेबीज even then we use it as contraceptive pills but these pills are being used for more than 20 diseases other gynae diseases like menstrualgia patients having breast tenderness patients having irregular cycles delayed cycle these pills are very effective with minimal side effects and we are commonly prescribing it without any side effects because if you are not getting period that is causing more damage to the body as compared to if you are taking pills and you are getting regular periods. ओके सो अगर ऐसा कोई भी इशू होता है और अगर कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार आपको बात करनी जरूरी है. डेफिनेटली व्हेनेवर यू आर हैविंग डिस्टरबेंसेस इन योर साइकिल लेंथ यू शुड कीप अ चार्ट व्हेनेवर इफ द पीरियड्स आर कमिंग बिफोर 21 डेज और कमिंग आफ्टर 35 डेज लास्टिंग लेस देन 3 डेज और मोर देन 7 डेज
in these circumstances, you should approach your gynecologist as early as possible. ऐसे कौन कौन से lifestyle changes हैं या फिर हम कह सकते हैं कि home remedies हैं कि जो हम अपने period pain में या फिर periods को जल्दी लाने में, क्योंकि अभी बहुत ऐसी चीजें आने लगी हैं बाजार में, बहुत ऐसे tonics हैं। देखो मेरा जो मानना है विदुषी, first of all I just want to make a comment because lifestyle of today's girl or a lady has totally changed. Earlier we were used to do so much hard work, now we are having mental work as well as physical we are having, but now the quality of life as well as quality of work we are having, that is totally different. So sedentary lifestyle is the main culprit. Along with that, stress, which is an unavoidable thing nowadays, smoking, alcohol, everything, these things are going to affect. So healthy lifestyle along with exercise is must to have a regular cycle with regular flow and less pain. ओके एंड अगर हम खाने की बात करें तो हेल्दी डाइट, हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी, देखो एवरीबॉडी नोज व्हाट इज हेल्दी व्हाट इज नॉट हेल्दी, बट आई जस्ट एक्सप्लेन माय पेशेंट दैट वी शुड अवॉइड फाइव मेन वाइट थिंग्स, ओके, दैट इज सॉल्ट, शुगर, आलू, चावल एंड मैदा. इफ यू आर अवॉइडिंग ऑल दीज फाइव थिंग्स, एवरीथिंग इज हेल्दी. मेनली जंक फूड एज वेल एज, अलॉन्ग विद दैट आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट यू शुड जो जिनका हमें पता होना चाहिए कि अगर हम पीरियड्स अगर हमारे जैसे मिस हो जाते हैं या फिर अगर कोई प्रॉब्लम अगर हमें फेस हो रही है कि हमें पेन हो रहा है, सो उससे हमारे ऐसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स अभी हैं? देखो मेनली तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसके लिए हम बोलते हैं, उसमें मेन आपके डिलेड साइकिल्स आते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, पेशेंट प्रेजेंट विद एक्ने एंड हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ, स्पेशली सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में यू हैव फेशियल हेयर ग्रोथ. Along with that, we have fibroids, and endometriosis is also very common nowadays. And any change of your lifestyle, in your diet, in your weight, as well as even if you are doing vigorous exercise or severe dieting, that may affect the cycle length. Okay. So everything in moderation is required. Okay. And then PCOD and PCOS का बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हम सुन रहे हैं कि चाइल्डहुड किड्स आर बिजी इन देयर मोबाइल एंड स्क्रीन टाइम इज मोर एज कम्पेयर टू देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड द ट्रेंड इज राइजिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्टिविटी बिकॉज ऑफ लेस ऑफ एक्सरसाइज एंड जंक फूड एंड डाइट. मैं जैसे इस टाइम पर टैम्पॉन्स आने लगे हैं और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लगे हैं, सो आर दे सेफ?